उत्तराखंड में ये बरेली के पास बरेली है, और बरेली से ऊपर चलेंगे, ट्रेन से जाते हैं तो बरेली उतरते हैं या हल्द्वानी के आसपास उतरते होंगे शायद। ये बाबा नीम करोरी के भक्तों का ग्रुप है, तो इस ग्रुप में हमने पूछा कि ट्रेन से कैची धाम जाए तो कहाँ उतरते हैं। एक भक्त अग्रणी पांडे जी ने बताया कि काठ गोदाम उतरते हैं। ये नैनीताल, नैनीताल से ऊपर ये अल्मोड़ा भवाली रेंज आएगा, भवाली रेंज यहीं होना चाहिए आसपास। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, और ये रामगढ़ भवाली रेंज, ये देखो ऊपर नदी दिख रही है, इस नदी से ये भवाली रेंज में ये टक करके ये नदी आती है, ये यहाँ पे, तो इसमें बाबा का आश्रम होना चाहिए। ये आ गया कैची बाबा नीम करोरी आश्रम। दोनों तरफ बिल्कुल हरियाली है, बाबा के आश्रम के पास से बाबा के चरणों को पखारती हुई नदी की एक धार यहाँ से गुजरती है। और ये जो रोड है ये कैची के जैसा रोड है, कैची की शेप में है, इसीलिए बाबा के आश्रम का नाम कैची आश्रम रखा। और बाबा ने कहा था कि दुनिया में ऐसी इस तरह की कोई दूसरी जगह नहीं है। तो ये देखो ये रोड है, और यहाँ से ये पुल नदी के ऊपर बना हुआ है, शिप्रा गंगा वाहिनी नदी ये है, और यहाँ से इससे पुल पार करके ये मेन गेट दिख रहा है, कैची धाम बाबा का आश्रम, और ये माता का मंदिर, श्री हनुमान जी का मंदिर, शिव मंदिर, बाबा का मंदिर, और ये श्री माता का मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। ये लैंडस्केप व्यू, यहाँ से आरती वगैरह के दर्शन करवाते हैं इस रोड से खड़े होके, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए इसमें यहाँ से ये देखो हरियाली, बहुत घना जंगल है यहाँ, यहाँ की जो जलवायु है बहुत अच्छी है, शुद्ध है, सात्विक है। और ये पीछे छोटा सा कोई घर वगैरह खेती वगैरह के लिए बना रखा है, खेती करते होंगे यहाँ, सीढ़ी नुमा खेती होती है, क्योंकि कटाव पड़ जाता है, वैसे सीढ़ी नुमा कटाव को बचा लेता है, तो क्योंकि प्लेन जंगल नहीं है यहाँ। तो ये देखो ये नदी है कहाँ से आ रही है, आगे निगलत, और ये दूसरे साइड बाबा के मंदिर का पहाड़ी, पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ, पहाड़ी एरिया है पूरा। ये देखो भवाली रेंज है, ये भवाली रेंज के अंदर आता है बाबा का मंदिर। यहाँ शांति है, बहुत शांति है। यहाँ जाने के बाद, इस जगह पर, इसके आसपास जाने के बाद, रहने के बाद इच्छाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल शांति है यहाँ। पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी इनके पास बैठकर बहुत अच्छा लगता है, पैसे की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है यहाँ। ये देखो ये नदी शायद इधर से आती होगी, शायद हम सही रास्ते पे चल रहे हों, हमें नहीं पता कि कहाँ से आती है। ये देखो नदियाँ यहाँ, आगे चलो थोड़ा, बैरोन रेंज आ गया, ये बारेन रेंज, देवी मंदिर नथाना, यहाँ मंदिर बहुत ज़्यादा है, बहुत देवी देवताओं के मंदिर है, इसीलिए यहाँ देवभूमि इसको उत्तराखंड कहा जाता है। ताल वगैरह बहुत हैं यहाँ, घूमने की अच्छी जगह है, जिनको अकेला घूमना पसंद है और जिनको प्रकृति के साथ रहना पसंद है, वो यहाँ पर उत्तराखंड में घूमने ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, हम नीचे की तरफ आ गए,
ये है, कौन सी नदी है ये? पटना। कौन सी नदी है, बैक करो इसको। घाघरा नदी, घाघरा नदी है ये। ये आगे बिहार पटना का दिखा रहा है। चलो हमें वापस देखना है ऊपर से कहाँ से आती है, ये कौन सी नदी है, वाल्मीकि नगर, ये कोई दूसरी है। चलो हम वापस चलते हैं। गोरखपुर, बाबा योगी का स्थान, बरेली, टनकपुर, पीलीभीत, हल्द्वानी इधर है। नहीं नहीं उधर चलो, गलत जा रहे, वापस वापस। अच्छा चलो, ये उत्तराखंड इधर आओ। यहाँ हाँ ये है, ये है बाबा का आश्रम। तो यहाँ से ये देखो, चलो हाँ यहाँ से चलो आगे। ये नदी देखो यहाँ से जा रही है, ये दूना के पास। ये यहाँ ये बड़ी नदी लग रही है, शायद ये यहाँ से आती है, इसकी धार हो सकती है ये। और ये कहाँ से आती हैं, ये ऊपर से, इनका कोई आइडिया नहीं है। बरगेल, फ्रॉग पॉइंट एडवेंचर पार्क, ग्राम पानी, माझेड़ा, दीपक, गीना, पदकाना, पाटली, भरारी, शैलीखेत, भाई कहाँ से आती है कुछ नहीं पता। बाकी ये है कि पहाड़ों से ही आती है ये सारी, सेनी रेंज, डाभरा, सोर। सभी नदियाँ पहाड़ों से ही निकल के आती है और ये अंत में जाके समंदर में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल इधर जाके, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में जाके मिल जाती हैं। तो नदियां अगर बचानी हैं तो पहाड़ों को बचाना होगा, पेड़ पौधों को बचाना होगा, क्योंकि शुद्ध एनवायरनमेंट वहीं बचा है और ज़रूरत है वो हमारे। ये जो येलो भाग दिखाई दे रहा है ये राजस्थान का है, और इसी प्रकार ये देखो दुनिया में लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान बन चुकी है। तो और ये देखो हमारे देश में जो ऊपरी भाग है और जो किनारे का भाग है वहीं थोड़ा सा हरियाली है, जो उत्तर पूर्व का भाग है वो हरियाली है, केरला साइड है थोड़ा, बाकी सब ये कालापन और पीलापन लिए आ चुका है। पेड़ पौधों को बचाइए, नदी और पेड़ पौधों के बिना कैसा जीवन है ये हम सब जानते हैं, महसूस कर रहे होंगे। और पहाड़ी एरिया में भी कटाई बहुत ज़ोरों से चल रही है, सफाई हो रही है, पहाड़ों की सफाई हो रही है, पेड़ों की सफाई हो रही है, तो उसे बचाइए, उसके लिए आवाज़ उठाइए। और उसके लिए हमें अपने जीवन, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए।